दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज हो चुका है 29 सितंबर 2019 और आज रविवार का आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, हर न्यूज़पेपर हर वेबसाइट को हमें देखना पड़ता है, उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी न्यूज़ आपको दें, कौन सी न्यूज़ आपकी काम की है, तब जाके वीडियो तैयार हो पाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारी इस मेहनत का फल देना चाहते हैं तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। दुर्व्यवहार के खिलाफ नारेबाजी करने की तैयारी में थे आंगनबाड़ी संघ नेता, अपर कलेक्ट्रेट पहुंचे ही नहीं, और ये न्यूज़ निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के नागदा से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में होने वाला हंगामा अपर कलेक्ट्रेट ऋषभ गुप्ता के नहीं आने से नहीं हो सका। शुक्रवार सुबह नपा कम्युनिटी हॉल में आयोजित बैठक में अपर कलेक्ट्रेट शामिल होने की खबर थी। अपर कलेक्ट्रेट के दुर्व्यवहार के खिलाफ उज्जैन संभागीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ के महामंत्री रामलाल पंड्या नारेबाजी करने की तैयारी में थे। वे दोपहर 1 बजे तक कम्युनिटी हॉल के सामने अपर कलेक्ट्रेट के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन अपर कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचे। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम अधिकारी ने ग्रामीण सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कामों की बारी बारी से समीक्षा की। इस दौरान परियोजना अधिकारी प्रीति कटारे सहित सुपरवाइजर भी मौजूद थे। DPO गौतम अधिकारी ने कहा, पोषण आहार व अन्य कामों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम अधूरा है, इसके लिए सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। बैठक में सामने आया कि ज्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निर्धारित संख्या में बच्चों तक पोषाहार व अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कमजोर पड़ रही हैं, इसलिए कलेक्ट्रेट कार्यालय से सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड के साहिबगंज से। सेविकाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में CM का पुतला फूका। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर रांची में हुई लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री रघुवर दास व पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया गया। इसमें सेविका सहायिकाओं के साथ कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष अनीता देवी थी। पहले प्रखंड कार्यालय से रैली निकाल कर तालझारी शहीद चौक पहुंची, यहां पुतला दहन किया गया। इस दौरान सेविकाओं ने लाठीचार्ज को तानाशाही बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेविका संघ की प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं कर रही है। लाठी के जोर पर सेविका सहायिकाओं के आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही थी। यह सरकार महिलाओं को आत्मसम्मान देने के बजाय महिलाओं पर जुल्म कर रही है। सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती तो इसे लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन करती रहेंगी। अनीता देवी ने कहा कि रघुवर सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल कर जनता से आशीर्वाद मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 साल से आंदोलनरत कार्यों पर लाठियां चलाने का काम कर रही है। सरकार एक तरफ बेटी बचाने का बात कहती है और दूसरी तरफ बेटियों एवं महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। झारखंड में आंगनबाड़ी कर्मियों पर पुलिस लाठीचार्ज मामले में शामिल दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए। साथ ही कहा गया कि सरकार सेविका सहायिकाओं की जायज मांगों को अविलंब पूरा करे। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। अब आशा बहुएं खोजेंगी कैंसर के मरीज। आशा बहुओं के सहयोग से जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और शिशुओं का टीकाकरण सफलतापूर्वक हो पाता है। अब आशा बहुएं गैर संचारी रोग जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्तन कैंसर, सर्विक्स कैंसर और मुंह के कैंसर के रोगियों की सीबैक फॉर्म के माध्यम से करेंगी। यह जानकारी CMO डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने आशा बहुओं को प्रशिक्षण देते समय बताई। शुक्रवार को अलीगंज स्थित AIM प्रशिक्षण केंद्र में मलिन बस्तियों से चुनी गई नगरीय आशा बहुओं का 8 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। 20 सितंबर से चल रहे इस प्रशिक्षण में 35 आशा बहुओं ने भाग लिया। इसमें 21 आशा बहुएं उन्नाव से आई थी। डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने बताया, आशा बहुएं अपने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत आने वाले बस्तियों में काम करेंगी, साथ ही महिला आरोग्य समिति का गठन करेंगी। इसमें लगभग 20 सदस्य होंगे और आशा बहुएं उसकी सचिव होंगी। समिति के खाते में हर साल 5,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से भेजी जाएगी। इस धनराशि का उपयोग समिति अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर करेगी। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने आशा बहुओं को प्रमाण पत्र दिए। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के शिवनी से। प्राथमिक शिक्षक की भूमिका निभाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। संभागायुक्त राजेश बहुगुणा की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट श्री प्रवीण सिंह, संयुक्त आयुक्त अरविंद यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुनील दुबे सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी, सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला योजना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सभी CDPO, BRCA, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की उपस्थिति रही। बैठक में सर्वप्रथम संभागायुक्त बहुगुणा द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा गया कि सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक प्राथमिक शिक्षक की तरह बच्चों को शाला पूर्व की शिक्षा दें और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को अपने आप में मॉडल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का आशय साज सज्जा नहीं अपितु दर्ज बच्चों को बेहतर सुविधाएं, साफ सफाई एवं शाला पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए कि वह एक शिक्षक की भांति बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा के
लिए तैयार करें ताकि गरीब परिवारों को प्राइवेट संस्थानों में LKG UKG कक्षाओं के लिए भेजना ना पड़े। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता नियुक्ति में फर्जीवाड़े की कलेक्ट्रेट से शिकायत। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्ती में नियमों को ताक में रखने का आरोप लगाया गया। मामले की शिकायत कलेक्ट्रेट से की गई है। इसमें बताया गया है कि महिला बाल विकास समिति की बैठक बुलाए बिना ही फर्जी हस्ताक्षर से नियुक्ति कर दी गई। योग्यता व अन्य अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची को दरकिनार कर 7 सहायिकाओं व कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।